वेलकम इन आर एस के मैथ्स मीटर चैप्टर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज वन पॉइंट वन सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में डिफाइन करेंगे कि हमारे इंटीजर्स कौन कौन से नंबर होते हैं स्टार्टिंग हमारी होती है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास वन से वन टू थ्री फोर सो ऑन यानी अनकाउंटेबल एंडलेस जितनी अकॉर्डिंग टू नीड हमारे पास काउंटिंग चलेगी वन से स्टार्टिंग सेकेंड स्टेप होता है हमारा होल नंबर का होल नंबर यानी स्टार्ट विद जीरो वन टू थ्री फोर यानी जहाँ स्टार्टिंग जीरो से पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर्स सो ऑन यानी डेस्ट डैश कंटिन्यू थर्ड हमारे होते हैं इंटीजर integer. इंटीजर्स के अंदर सभी नंबर हमारे काउंट होते हैं दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव विद जीरो जीरो नगेटिव होती है न पॉजिटिव होती है तो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर जितनी हमें नीड है अकॉर्डिंग टू नीड और जितने हमारे नेगेटिव नंबर हैं और साथ में जीरो ये सभी के सभी हमारे पास क्या होते हैं इंटीजर्स और इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे शो करते हमारी नंबर लाइन के अंदर जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक लाइन के ऊपर सभी नंबर होते हैं जैसे अगर हम जीरो जीरो को हम मिडिल में मानते हैं तो जीरो के जीरो के राइट right हैंड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं वन टू थ्री फोर सो ऑन यानी अनकाउंटेबल और जीरो के लेफ्ट हैंड में यानी लेफ्ट और राइट लेफ्ट हैंड में नेगेटिव नंबर रिवर्स काउंटिंग होती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स और अनकाउंटेबल यानी सोन एंड लेस तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव एंड विद जीरो सभी कि सभी क्या होते हैं इंटीजर्स और इंटीजर्स में आप जैसे ही नंबर लाइन पर राइट right हैंड में जाते जाओगे तो आपके नंबर बिग होते जाएंगे जैसे यहाँ से ज़ीरो से वन की तरफ चलेंगे राइट right हैंड में वन बिग है फिर टू बिग है टू से फिर थ्री बिग है थ्री से फोर बिग है यानी क्वेश्चन में जितना आप राइट right हैंड में जाओगे आपके नंबर बिग होते जाएंगे और जितना लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करोगे तो उतने ही नंबर स्मॉल होते जाएंगे जैसे माइनस वन से स्मॉल है माइनस टू माइनस टू से स्मॉल है माइनस थ्री यानी लेफ्ट हैंड में नंबर हमेशा स्मॉल होते हैं और राइट हैंड में हमेशा बिग होते हैं नॉर्मल लाइफ में भी आप राइट right वे में हमेशा बिग काम करते हो और लेफ्ट में हमारे पास यानी सही काम के लिए हमेशा हमारा राइट right वे ही होता है ट मीन्स प्रोग्रेस प्रोग्रेस के लिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग ए पार्ट आल इंटीजियर्स बिटवीन माइनस फाइव एंड थ्री माइनस फाइव और थ्री के बीच के सभी के सभी नंबर हम राइट करेंगे अब देखिए माइनस फाइव से हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है दैट मीन्स हम राइट right हैंड में मूव करेंगे माइनस फोर फिर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन फिर जीरो फिर वन और टू यानी ये नंबर हमारे पास नंबर लाइन पर इनके बीच में आएंगे माइनस फाइव एंड थ्री के बीच में बी पार्ट नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन माइनस फोर यानी माइनस फोर से बिग बिग के लिए हमेशा हम राइट साइड मूव करेंगे माइनस थ्री फिर माइनस टू फिर माइनस वन माइनस वन ये हमारे अब जीरो ना ने नेगेटिव है ना ने पॉजिटिव इसलिए हम यहाँ तक ही राइट करेंगे जो थ्री नंबर है ये हमारे पास बिग नंबर है माइनस फोर से बिग है जो नेगेटिव नंबर है नाउ सी पार्ट पॉजिटिव इंटीगर स्मॉलर देन सिक्स सिक्स से स्मॉल अब सिक्स से हम हमेशा अगर स्मॉल निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे आपका लेफ्ट हैंड इन इस तरफ लेफ्ट हैंड में पहले फाइव आएगा फिर फोर फिर थ्री फिर टू यानी रिवर्स काउंटिंग तो ये सभी के सभी हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं जो लेस देन सिक्स नाउ पार्ट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन माइनस सिक्स और सिक्स माइनस सिक्स और सिक्स के बीच के नंबर हमने राइट करने हैं लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो जो जीरो के लेफ्ट साइड है एट फर्स्ट देखिए माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू इस तरह से हम काउंटिंग लिखेंगे फाइव तक अब हमें जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ जीरो मिडल में है लेफ्ट हैंड और राइट right हैंड तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है, देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ तो ये नंबर हमारे पास सिक्स और माइनस सिक्स के बीच में आते तो ये माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ये सभी नंबर हैं जो माइनस सिक्स और सिक्स के बीच में है और जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ है नाउ क्वेश्चन नंबर टू ड्राई नंबर लाइन एंड मार्क द फ्लोइंग इंटीजर्स ऑन इट हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर जो नंबर गिवन है उनको हम मार्क करेंगे नंबर लाइन सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइन के ऊपर हम सभी नंबर्स राइट right करेंगे जीरो से लेफ्ट हैंड के और राइट right हैंड के सभी के सभी नंबर राइट right कर लेते हैं जितनी हमें नीड है अकॉर्डिंग टू नीड चलेंगे अब इसमें देखिए नेगेटिव में हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव में माइनस नाइन्टीन और पॉजिटिव में ट्वेंटी बिग नंबर है सबसे पहले हम जीरो राइट right करेंगे मिडिल में जीरो जीरो से राइट right हैंड में पॉजिटिव नंबर वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से हम नंबर हमारी जो काउंटिंग हो वो right राइट करेंगे कंटिन्यू और माइनस वन यहाँ से लेफ्ट हैंड में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन टेन माइनस इलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन अगर नंबर लाइन पे यहाँ नहीं आए तो आप लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए माइनस फिफ्टीन से आगे माइनस सिक्सटीन फिर माइनस सेवनटीन माइनस एटीन माइनस नाइनटीन एंड माइनस ट्वेंटी ऐसे पॉजिटिव नंबर के लिए यहाँ पे एटीन नाइनटीन और फिर ट्वेंटी अब यहाँ पर माइनस नाइन्टीन तो इसको हम डोट लगाएंगे और माइनस ट्वेंटी यहाँ पे शो करेंगे फिर हमारा माइनस सेवन तो यहाँ पर हमारा माइनस सेवन है एट पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर हम एट पॉजिटिव राइट करेंगे सिक्स माइनस सिक्स तो यहाँ पर हमारा माइनस सिक्स फिर माइनस टेन तो माइनस टेन हमारा लेफ्ट हैंड में मिलेगा तो यहाँ पर माइनस टेन जीरो ये हमारी जीरो है माइनस ट्वेल्व तो यहाँ पर हमारा माइनस ट्वेल्व है सेवन सेवन पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड देखेंगे प्लस का सेवन माइनस एट ये हमारा माइनस एट है फिर ट्वेंटी यहाँ पर हम डॉट लगा के ट्वेंटी शो करेंगे और फिर माइनस फाइव हिर इज माइनस फाइव नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आइडेंटिफाई द इंटीजर्स मार्क्ड बाई द लेटर्स ऑन द गि नंबर लाइन नंबर लाइन के ऊपर कुछ लेटर्स हैं एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में सबसे पहले बिग फिर स्मॉल स्मॉल ऐसे हम राइट करेंगे सबसे पहले हम इनकी वैल्यू राइट कर लेते हैं पी क्यू आर एस टी ये नंबर हमारे पास अब देखिए यहाँ पर जीरो है जीरो से लेफ्ट हैंड में नेगेटिव नंबर है माइनस वन तो आर के लिए हमारे पास क्या है माइनस वन आर की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्यू हमारे पास माइनस सिक्स सेवन एट तो पी की वैल्यू माइनस एट और जीरो से पॉजिटिव राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर है वन टू थ्री फोर एस हमारे पास प्लस का फोर है फाइव सिक्स टी हमारे पास सिक्स नंबर है अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी सबसे पहले बिग नंबर लिखेंगे अब जो राइट right हैंड में सबसे पहले वही बिग होता है राइट right हैंड में ये नंबर हमारे पास यानी वैसे भी आप देखिए सबसे बिग नंबर है पॉजिटिव सिक्स यानी टी उसके बाद फिर एस पॉजिटिव फोर है फिर माइनस वन आता है काउंटिंग में फिर माइनस सिक्स आता है क्यू और फिर हमारे पास माइनस पी तो इस तरह से ये नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर बिग स्मॉल 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 फिर सबसे स्मॉल नेगेटिव नंबर में हमारे पास रिवर्स होता है हमेशा जो हमें लगता है पॉजिटिव बिग नंबर है वो हमेशा स्मॉल नंबर होता है नेगेटिव के अंदर नाउ क्वेश्चन 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 नेक्स्ट नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स हम लेस और मोर का साइन पुट करेंगे हमारे पास हमेशा मोर का साइन पुट करते हैं माउथ ओपन करते हैं मान लो थ्री एंड फाइव अब इसमें से हम हमेशा बड़े की तरफ माउथ ओपन करते हैं जो पॉजिटिव नंबर है उसमें क्लियर है कि हमारे पास हमें आज तक हम काउंटिंग पढ़ते हैं तो बिग नंबर है लेकिन नेगेटिव में हमेशा रिवर्स काउंटिंग होती है अगर यहाँ पर माइनस लगा दें और माइनस लगा दे तो माइनस फिर हमारे पास ये रोंग हो जाएगा माइनस में जो हमारा पॉजिटिव स्मॉल नंबर होता है तो माइनस में रिवर्स काउंटिंग होती है तो ये हमारा बिग है अब यहाँ पर पॉजिटिव में तो ये फाइव बिग है और नेगेटिव में हमारे पास थ्री बिग है तो कि रिवर्स काउंटिंग में होते हैं नेगेटिव के लिए हम देखिए यहाँ भी रिवर्स चलते हैं माइनस वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से हम रिवर्स चलते हैं तो रिवर्स ही जो लेफ्ट हैंड में जितना लेफ्ट हैंड में जाते जाओगे उतने ही नंबर स्मॉल होते जाएंगे जितना हम राइट साइड जाते जाएंगे नंबर उतने ही बिग होते जाएंगे अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं तो दैट मीन्स जो स्मॉल नंबर होता है पॉजिटिव में वो बिग नंबर मिलेगा पॉजिटिव हमेशा बिग होता है तो प्लस का बिग नंबर होता है दोनों नेगेटिव हैं तो ये ट्वेंटी हमारे पास वैसे पॉजिटिव में स्मॉल नंबर होता है लेकिन नेगेटिव में रिवर्स होता है उल्टा होता है तो ये हमारा बिग नंबर है जीरो नेगेटिव से जीरो बिग है यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो वो जीरो से बिग है अब दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव में स्मॉल नंबर हमेशा बिग होता है तो यहाँ पर रिवर्स होता है अब ये पॉजिटिव न नेगेटिव न पॉजिटिव जीरो बिग है नेगेटिव से दोनों नेगेटिव हैं तो हमेशा ये हमारा बिग नंबर होगा नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जीरो से किसी भी नंबर की डिस्टेंस ये नंबर लाइन है नंबर लाइन के ऊपर जीरो राइट साइड में वन टू थ्री और लेफ्ट साइड में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अब ये हमारे पास जो बार जो मोड का साइन होता है माइनस नाइंटी फाइव अगर यहाँ पर हम माइनस टू लिखें और प्लस का टू लिखें ये होती है डिस्टेंस ऑफ माइनस टू इसको जो हमारी बा मोड ऑफ नाइन्टी फाइव इसको रीड करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है डिस्टेंस ऑफ माइनस टू फ्रोम जीरो जीरो से माइनस टू की डिस्टेंस क्या होती है इसी मोड की मतलब होता है यानी जीरो से हमारे पास देखो वन स्टेप और टू स्टेप टू ही स्टेप दूर है ऐसे ही हमारे पास प्लस का टू है जीरो से कितनी दूर है वन स्टेप टू स्टेप तो ये भी टू स्टेप है दैट मीन्स अगर मोड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो जीरो से वो उतने ही नंबर पे दूर होता है अब ये नेगेटिव था तब भी टू कदम दूर है और ये पॉजिटिव तब भी कदम यानी दोनों वैल्यू तो मोड ऑफ नेगेटिव हो या मोड ऑफ पॉजिटिव हो तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है तो यहां से देखिए अब मोड ऑफ ना माइनस नाइन्टी फाइव यानी माइनस नाइनटी फाइव जीरो से कितनी दूर है तो नाइनटी फाइव कदम पर ही होगा दोनों को ऐड कीजिए ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन मोड ऑफ फिफ्टीन यानी फिफ्टीन जीरो से कितनी डिस्टेंस पे है फिफ्टीन कदम पे है ये हमारे पास माइनस सिक्सटी दोनों के साइन सेम है अगर साइन सेम हो तो उन दोनों नंबर्स को हम मिलाते हैं फिफ्टी में टेन मिलाएंगे सिक्सटी माइनस के मिलाए तो माइनस का साइन अब मोड ऑफ माइनस सिक्सटी दैट मीन्स सिक्सटी माइनस सिक्सटी है जीरो से कितने कदम पर है सिक्सटी कदम पर ही है तो ये जिस मोड ऑफ की वैल्यू है यहाँ पे देखिए मोड ऑफ फोर्टी फाइव और माइनस सेवेंटी सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से देखिए एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है अलग साइन यानी डिफरेंट मतलब माइनस हम माइनस करेंगे अलग साइन हमेशा माइनस होते हैं बिग हमेशा ऊपर लिखेंगे टेन फाइव और यहाँ से सिक्स में ट्वेंटी फाइव जो हमारे पास माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बचेंगे डिफरेंट हो तो हमेशा माइनस ही करेंगे तो मैं ये हमारे पास रिजल्ट आया माइनस ट्वेंटी फाइव मोड ऑफ माइनस ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो से कितने कदम पर दूर है तो ट्वेंटी फाइव कदम ही होगा ट्वेंटी फाइव हो तो ट्वेंटी फाइव कदम दूर होगा तो ये वैल्यू हुई ट्वेंटी फाइव सेम हमारे पास माइनस टू हंड्रेड ट्वेल्व में प्लस जीरो करेंगे किसी भी नंबर में जीरो के एडिशन हो सब्ट्रैक्शन सो नो इफेक्ट तो यहाँ से इसका रिजल्ट माइनस टू हंड्रेड ट्वेल्व ही होगा यानी मोड ऑफ माइनस टू हंड्रेड ट्वेल्व यानी टू हंड्रेड ट्वेल्व माइनस का जीरो से कितने नंबर पे होगा टू हंड्रेड ट्वेल्व कदम पे ही दूर पर होगा तो ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन